तो इस मेथड में करते क्या है तो इस मेथड में हम लोग यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखते हैं अगर आपसे बोले कि हाउ टू कन्वर्ट फाइव सेंटीमीटर इंटू किलोमीटर फाइव इंच इंटू मीटर तो आप क्या यूज करेंगे आप डायमेंशनल एनालिसिस मेथड का यूज करेंगे टू मेक दीज कन्वर्जन पॉसिबल बट बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू अनाउंस इफ यू आर लुकिंग फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स फॉर सीबीएसई टीजी नीट

ऑफ्टन वाइल कैलकुलेटिंग देर इज अड टू कन्वर्ट यूनिट फ्राम वन सिस्टम टू अदर द मैथड यूज टू डू दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मैथड यूनिट फैक्टर मैथड और डायमेंशनल एनालिसिस क्या इनाम रखने याद रखने जरूरी है बिल्कुल भी नहीं एंड लेट मी टेल यू ये भी जरूरी नहीं है कि आप हर बार यूनिट कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस मैथड का यूज करें अगर आपको सिंपली कन्वर्ट करना आता है हाउ टू कन्वर्ट मिलीमीटर इनटू सेंटीमीटर और एनी अदर यूनिट हाउ टू इंटर कन्वर्ट विदाउट लर्निंग एनालिसिस दैट इज आल्सो गो विद इट ये अपने आप में कोई टॉपिक नहीं इट इज जस्ट अ टूल जब भी आपको यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी वी नीड डायमेंशनल एनालिसिस कोई और तरीका से आप करते हो कन्वर्ट दैट इज ऑल्सो ओके बट लेट्स लर्न ये डायमेंशनल एनालिसिस है क्या और यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है अ पीस ऑफ मेटल इज थ्री इंचिस ठीक है वॉट इज इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर हमें इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है देखिए इसके लिए प्री नॉलेज होनी चाहिए जो कि हाँ भी है और वो ये हमें पता होना चाहिए कि जो वन इंचमीटर जिस लाइन जो है लिखी हुई है वन इंचवल्स टू टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर ठीक है इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक इंच को 2.54 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दू तो वैल्यू विल बी बिकॉज इन दोनों की वैल्यू तो सेम है है ठीक इन द सेम वे अगर मैं 2.54 सेंटीमीटर को डिवाइड करता हूं वन इंच से इसकी वैल्यू भी वन आएगी बिकॉज दोनों की वैल्यू तो सेम है अब ये जो चीजें हैं ना जो दो रेशियोज हैं दो फैक्टर्स हैं इन्हीं को बोला जाता है यूनिट फैक्टर और इन्हीं का हम यूज करेंगे यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था कन्वर्ट थ्री सेंटीमीटर सो डू वन थिंग हम ना इस इंच में किसी एक ये जो दो यूनिट फैक्टर्स हैं किसी एक से मल्टीप्लाई करेंगे उस ऐसे कैसे कर देंगे कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली ये जो यूनिट फैक्टर है इनकी वैल्यू तो वन ही है ना और वन से मल्टीप्लाई करना मतलब टेक्निकली कुछ नहीं किया हमने तो इस वन इंच कि मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों में से किसी एक यूनिट फैक्टर के साथ किसके साथ करें तो आ, मैं कब बताता हूँ किसके साथ करें आप करिए सेकंड वाले के साथ 2.54 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वन इंच इससे क्या फायदा होगा उससे फायदा होगा ये इंच कट जाएगा आपस में आई बात समझ में मतलब इंच मैं चाहता था कि नीचे की तरफ आए सो so दैट वो कैंसिल आउट हो जाए ठीक इसलिए मैंने सेकंड वाला चूज किया नॉट द फर्स्ट वन ठीक डन जैसे भी ऐसा करेंगे थ्री इंटू टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर ठीक है बस हो गया वाज देख लीजिए द सेम थिंग दे हैव डन हियर आल्सो ठीक है जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था सेम थिंग दे डन डन थ्री इंटू फाइव फोर सेंटीमीटर इंच से इंच कैंसिल आंसर आ गया 7.62 सेंटीमीटर दैट सेट हो गया ठीक है अच्छा एक और है एक और है क्लास वन मोर इज देर हाउ मेनी सेकंड्स आर देर इन टू डेज हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन टू डेज चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको कैसे करेंगे एंड जस्ट गिव मी अ मिनट अच्छा वैसे आप मुझे बता सकते हैं क्या हाउ मेनी सेकेंड आर देर इन टू डेज तो क्या हम सबको मालूम है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं फिर उसमें कितने मिनट होते हैं पता ही होगा लेट सी जस्ट सेकेंड देखिए हम सबको मालूम है कि वन डे हैजेंटी फोर आवर्स तो एक यूनिट फैक्टर बना लेते हैं इसका मतलब वन डे अपॉन ट्वेंटी फोर आर इक्वल्स टू वन विच इज ऑल्सो इक्वल टू ट्वेंटी फोर आर बाय वन डे ठीक है यूनिट फैक्टर्स चलो ठीक है डे और आर के लिए इन द सेम वे वन आर हैज सिक्सटी मिनट्स और यूनिट फैक्टर्स बनाते हैं क्या हो जाएगा वन आर अपॉन सिक्सटी मिनट्स इक्वल्स टू वन विच इज इक्वल्स टू सिक्सटी मिनट अपॉन वन आर अनादर सेट ऑफ यूनिट फैक्टर्स चलिए अब एक काम करते हैं अब एक और यूनिट फैक्टर बनाएंगे मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सो वन मिनट इक्वल्स टू सिक्सटी सेकेंड और वन मिनट अपॉन सिक्सटी सेकेंड इक्वल्स टू वन विच इज़ इक्वल्स टू सिक्सटी सेकेंड्स अपॉन वन मिनट तो थ्री सेट ऑफ यूनिट फैक्टर्स हो गए हैं। अब आइए कन्वर्जन करते हैं हमें कन्वर्ट करना था टू डेज को ना यस टू डेज इन टू सेकेंड तो बात ये है टू डेज इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट यूनिट फैक्टर से जिसमें डे आता है नीचे की तरफ सो टू डे इन टू ट्वेंटी फोर आर डिवाइडेड बाई वन डे सो टेक्निकली वी हैव मल्टीप्लाईड नथिंग बिकॉज इसकी वैल्यू वन थी चलिए ठीक है अब आर को कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में दूसरे यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सॉरी मिनट में दूसरे यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा सिक्सटी मिनट अपॉन वन आर अब इस आर अब इस मिनट को कन्वर्ट करते हैं सेकेंड में यह थर्ड यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अपॉन वन मिनट आउटकम डे से डे कैंसिल हो गया टू इंटू टी फोर इंटू सिक्स इंटू सिक्स डेट सेकेंड आ जाएगा देख लेते हैं ये दिस इज वॉट देव डन अलग अलग यूनिट फैक्टर्स बनाए हैं और फिर देखिए यही हमने किया था टू इंटू ट्वेंटी फोर इंटू सिक्स इंटू सिक्स One, seven, two, eight, अगर इसके बिना भी आपको कन्वर्ट करना आता है हो ना जैसा कि मैंने बताया तो आप कर लीजिएगा ये तो सिर्फ टॉपिक है तो आपको समझा दिया गया है पीपल कैन कन्वर्ट यूनिट्स विदाउट डूइंग ऑल दी स्टेप्स आल्सो ठीक है डन अच्छा अब मैं ना आपको एक देता हूँ क्वेश्चन करने के लिए ये करिएगा क्लास मतलब क्वेश्चन करना क्या है ये तो ऑलरेडी सोल्व है दिख ही रखा है ऑलरेडी सोल्यूशन गिवन है यू जस्ट गो थ्रू दिस सोल्यूशन इन थ्रू uh, ये सब गिवन है पढ़िए इसको और मुझे बताइए क्या ये समझ में आया या नहीं कमेंट सेक्शन में बताइए येस और नो अगर नहीं आया तो इस वाले को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय